Okay, boys and girls, my dear students, today the class, for today class topic is identification of seeds, identification of seeds in fishes. Seeds के जो seeds होंगे वो उनका identification आप कैसे करेंगे कि कौन सा किस variety का fish है या किस तरह से उनको जो है आप identify करके और उसको segregate कर सकते हैं कैसे और कैसे पहचानेंगे, उसी पे ये पूरा का पूरा based class होगा हमारा. तो हम जस्ट इसको शुरू ही करते हैं अपने स्लाइड शेयर के थ्रू और वहां से हम लोग सारी बातों को देखते चलते हैं. अगर हम बात करें सिंपल कि फिश के जो है जो होंगे आपके सीड्स उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो जनरली आप जानते हैं कि स्पेसिस स्पेसिफिक होता है बहुत सारी चीजें. तो यहाँ पे इसके एग्स भी होंगे या उसके फ्राई होंगे, एडवांस फ्राई होंगे या उसके फिंगरलिंग्स होंगे या ईयरलिंग्स होंगे, सभी के साइज में और उनके कुछ कलर में, उनके शेप में, इन सब में बहुत अंतर आएगा. उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन में कि वो किस जगह पे मिलेंगे, कहाँ मिले हैं, इस सब से हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा जो हमारे पास एग है और उसका साइज कौन सा एग है, वो किस वेराइटी की फिश का है और उस वेराइटी को हम लोग अलग करके फिर अलग करके स्पॉनिंग अलग करके उसको आगे की ओर जो है एस्टेब्लिश करके आगे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं. तो अब बात करते हैं हम लोग, जस्ट स्लाइड को शेयर करते हैं और उसी के थ्रू हम लोग आगे की ओर इस चीज को कंप्लीटली करते चले जाएंगे. यस, आपके स्क्रीन पे मेरा स्लाइड जा रहा होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स फ्राई एंड फिंगरलिंग्स ऑफ कल्चरेबल फिश. बेसिकली हम लोग जो कल्चरेबल फिश होते हैं, जो कल्चर किए जाते हैं, उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं और इसलिए हम इसी पे ज्यादा, इसी को ज्यादा बेस्ड मानते हैं कि वो कैसे जो है कल्चरेबल फिश को हम लोग किस तरह से उसके आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बाकी और फिश के लिए बहुत सारा हमें डाटा रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं. जो हम कल्चर करते हैं, जिनसे हम अपना प्रोडक्शन लेते हैं, उसी पे फोकस करते हैं. तो बात करते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो कैसे करते हैं. देखो, फिश एग्स डिस्प्ले एंड एस्टनाइजिंग, दैट मीन्स की अमेजिंग वेराइटी, बहुत ही अमेजिंग कलर का वो कलर देता है. सबकी अपने अपने स्पेशल शेप होते हैं, सभी में स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपेंडेजेस होते हैं कहीं नहीं होते हैं, सभी का अपना एक स्पेसिफिक और एक फिक्स साइज होता है एक पर्टिकुलर एज पे. उसके अलावा वो कहाँ डेवलप कर रहे हैं, प्लेस उनका डेवलपमेंट का क्या है, वो एक डिपेंडेंट करता है और उसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा फिश का कौन सा एग है या कौन सा सीड है. अब बात करते हैं कि द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स दैट आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ द फिश एग, सच एज टेम्परेचर, डेप्थ रेंज, सैलिनिटी, पीएच एंड ऑक्सीजन कंटेंट्स ऑफ वाटर. आप देख चुके हैं बहुत सारे फिश जो होते हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टेम्परेचर पर डिपेंड करते रहने के लिए और उनके एग्स भी उसी तरह से अलग अलग डेप्थ रेंज में वो एग को ले करता है. किसी एक फिश जो है वो कहीं और किसी डेप्थ में करेगा. एक फिश को एग ले करने के लिए कोई अलग सैलिनिटी चाहिए तो दूसरे के लिए कोई अलग सैलिनिटी चाहिए. किसी का पीएच कुछ और होना चाहिए तो किसी का पीएच कुछ और होना चाहिए और इसी के बेसिस पर और उनके ऑक्सीजन कितने उसके अंदर कॉन्टेंट्स है, ये सब भी उसको डिपेंड करवाएंगे कि वो कौन से एग का फिश है. नाउ द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट बायोंट पेलियाजिक, या तो वो तैरते हुए होंगे. कौन कौन से प्लेस हो सकते हैं डेवलपमेंट के, या तो वो पानी पर तैरते मिलेंगे या फिर बॉटम में डेमर्सल, यानी कि बॉटम में, यानी जमीन पे लगे रहेंगे पानी के अंदर. फिक्स्ड ऑन प्लांट और स्टोन, किसी फिक्स प्लांट के पत्तियों के साथ या चिपके रहेंगे या कहीं पे रहेंगे तो वो कोई दूसरा फिश का एग हो सकता है. सेंड में या ग्रेवल्स में, किसी सैंड में जाके वो छुपा के रख उसमें दिया है, उस जगह पानी का मॉइस्चर है तो वो भी किस अलग हो सकता है. या ओपन नेस्ट, कहीं पे नेस्ट बना हुआ है उसमें दिया होगा, या कवर नेस्ट में दिया होगा किसी बड़ों या टनल में, ठीक है, या फिर कहीं पे बबल नेस्ट बनाया है वहां पर, या फिर कहीं कहीं पे जो माउथ ब्रूडर्स होते हैं वो अपने एग को माउथ में ही लेके कैरी करता है तो वहां भी हो सकते हैं. तो कई उसके डेवलपमेंट के प्लेस हो सकते हैं. या फिर अटैच्ड टू प्लेसेंटल बॉडी, कुछ फिश के प्लेसेंटल बॉडी के साथ एग अटैच्ड रहेंगे और उसके साथ ही घूमते रहेंगे. इन ब्रॉड ब्रूड पॉच, ब्रूड पॉच फिश के अंदर ब्रूडिंग के लिए, ब्रूड जिसमें वो एग को लेके कैरी करके चलता है वो ब्रूड पॉच कहलाता है, वहां पे मिलेंगे. इन फीमेल्स लाइव बियर्स आउटसाइड द वाटर, बहुत सारे कुछ फिश जो होते हैं वो बाहर पानी के बाहर भी देते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे एनिमल के ऊपर भी देते हैं. तो ये अलग अलग डिफरेंट प्लेस
हैं डेवलपमेंट के जहां पर कि ये एग पाए जा सकते हैं, और उसके बेसिस पे कि कौन कहां पे मिले हैं हम वो एग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक इस फिश का है, ये कैरेक्टरिस्टिक इस फिश का है। मतलब कि मान लीजिए कि रोहू, रोहू क्या करता है, रोहू डायरेक्टली आपका सीधे का सीधा एग का गुच्छा जो होता है वो बायोन ऊपर की ओर तैरता रहता है उसका, इस तरह से जानते हैं। क्लेरस बट्रैकस की हम अगर बात करें तो वो मट में नेस्ट बनाता है और वहां पे अपना देता है, तो वहां पे वो मौजूद रहता है। तो जहां पे मौजूद है उसके बेसिस पे हम सीधे आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बेसिस पे कि वो यहाँ पे मिला है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक और होता है क्या, अगर सारे के सारे मिल गए हैं तो और भी बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है शेप। हर फिश के अपने अपने शेप अंडे का, आप जैसे कि क्या कर सकते हो, बहुत आप ही देखते हो सिंपल, आप मुर्गी का अंडा देखते हो, अगर मुर्गी का अंडा और आपके पास कबूतर का अंडा दे दिया जाए तो आप उसके शेप से और उसके साइज से ही बता दोगे कि वो किस तरह का है, तो वो मुर्गी का नहीं है या कबूतर का है। अंडा तो अंडे के जैसा ही होगा, ओवल शेप का होगा, लेकिन उसके साइज और कलर में डिफरेंस हो जाता है। तो उसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं फिश का जो है कौन से फिश का कौन सा एग है और कौन से फिश का कौन सा एग है, अलग अलग को हम डिस्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा एट्रीब्यूट्स, अब ये शेप जो हो सकते हैं, शेप आपके स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवॉइड हो सकते हैं या इलोंगेटेड हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है। और एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो वो एट्रीब्यूट मतलब कि वो स्मूथ है, कि उसके ऊपर जो है वो रफ है सरफेस, या उसके ऊपर टेंटिकल्स निकला हुआ है, कोई बार्बिक्यूल्स निकला हुआ है, कोई जेली का मैट्रिक्स तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पे स्टॉक नहीं लगा हुआ है, उसके साथ में कहीं पे एग जो है वो स्टिकी है या नॉन स्टिकी है, चिपचिपा है या सीधे सीधे बिना ऐसे ही है एग। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे कैरेक्टर्स जो है डिपेंड करवाते हैं कि एग किसका है। तो किस सारे के सारे एक फिश के एग एक जैसे नहीं हो सकते, सब में ये एट्रीब्यूट्स भी अलग अलग होगा, उस एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं एग्स का। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो अभी हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए। उसके अलावा जो आपके पास एक बहुत बेहतरीन आपके पास आता है डिस्टिंग्विश के लिए, वो होता है कलर ऑफ एग। एग का कलर या तो वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, अंबर हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या कोई भी कलर हो सकता है। तो सभी फिश के अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि वो उस तरह के फिश का एक स्पेसिफिक इसी तरह का कलर होगा, उसके बेसिस पर हम जान जाते हैं कि कौन से फिश का कलर है। उसके बाद अगर कौन से फिश का वो एग है, उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके ऑयल ग्लोब्यूल्स के, जो उसके साथ जो लगे रहते हैं फिश के एग के साथ ऑयल ग्लोब्यूल्स, वो किस तरह के लगे हुए हैं, उसके बेसिस पे भी हम डिटरमाइन कर देते हैं ये कौन से फिश का एग होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं तो कौन सा प्री वाइटलाइन बिट्स जो होता है कोरियन का थिकनेस, उसके बेसिस पे भी थोड़ा और आगे बढ़ के उसके भी डिपेंडेंसी पर हम लोग बात करते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं एग के फिश को, फिश के एग को जो होता है उनको पहचानने के लिए। अगर हम बात करें कि ये जो फिश सीड की हम बात करते हैं, सीड मतलब क्या होता है, सीड ऐसा है, सीड जो हम यहाँ पर पूरा का पूरा फिश एग फ्राई और फिंगरलिंग्स जो होता है, हम इसको जो एग फ्राई और फिंगरलिंग्स या ईयरलिंग्स सभी के सभी मिलकर एग सीड कहलाते हैं। सीड हमें क्या करते हैं, हम लोग ऐसे क्या करते हैं खेती के लिए, हम लोग क्या करते हैं या तो बीज लाते हैं या फिर छोटा पौधा भी लाते हैं कहीं से नर्सरी से, उससे भी खेती, वो भी सीड ही कहलाता है, छोटा पौधा भी सीड ही कहलाता है। तो सीडलिंग कहाँ से लाए, तो वो सीड मतलब जो भी जिससे हम फसल को उगाते हैं, जो प्राइमरी चीज के रूप में लेते हैं, वो सभी के सभी हमारे लिए क्या कहलाएगा, सीड। तो हम अगर बात करें तो हमारे पास तीन तरह के सीड यहाँ पर मिल पाते हैं, किसके कंडीशन में, फिशरीज के कंडीशन में, फिश के कंडीशन में, और वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो एग हो सकता है, या वो फ्राई हो सकता है, या फिर फिंगरलिंग्स हो सकता है। तो हमें सबके आइडेंटिफिकेशन को जानना पड़ेगा तभी जाकर हम जो है आइडेंटिफाई, याद कीजिए हम लोगों ने क्या देखा है इससे पहले, मैनेजमेंट पॉन्ड मैनेजमेंट देखा है या मिक्स कल्चर देखा है या कहीं भी हमने क्या देखा है कि हम अगर वहां पर दो एनिमी फिश को एक साथ रख दे, यानी कि एक दूसरे को खा जाने वाले फिश को, तो क्या होगा, एक बहुत तेजी से एक ग्रो करेगा, दूसरे को खा के खत्म कर देगा, तो हमारा प्रोडक्शन घट सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पर, अगर एक मिक्स हो जाए दो एक दो फिश के, और वो दोनों जो है एनिमी अपने साथ में रह के नहीं रहने वाले हैं एक दूसरे को, तो एक बहुत तेजी से बढ़ने वाला हो, एक बहुत तेजी से ना बढ़ने वाला हो, जो तेजी से बढ़ेगा अगर वो बड़ा हो गया तो छोटे वाले फिश को, अगर वो प्रेडेटरी फिश अगर है तो उसको खा जाएगा, और इस तरह से आपका प्रोडक्शन घट सकता है। तो एग की आइडेंटिफिकेशन, उसके फिंगरलिंग्स की आइडेंटिफिकेशन, उनको सेग्रीगेट करना सो दैट कि आपका फिश कल्चर बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे से आपका हो सके, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो करते हैं फिश के लिए, किस किस फिश का करते हैं। तो इंपॉर्टेंट कल्चरेबल फिश अकॉर्डिंग टू द
ब्रीडिंग हैबिट्स में भी ग्रुप इनटू थ्री कैटेगरी, तीन कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। पहला फिश वो जो कि पॉन्ड में ब्रीड करते हैं, फिशेज विच ब्रीड्स इन पॉन्ड, ये आपको कौन कौन से हैं, साइप्रिनस कार्पियो, टिलापा मोजाम्बिका, और ये जो चन्ना स्पीसीज, ये सारे के सारे आपके जो हैं, ये सब इट इज, ये आपके पॉन्ड में एक यानी कि तालाब में ही ब्रीड कर सकने वाले स्पीसीज हैं। बट कुछ फिश जो है स्पीसीज हैं, देखिए फिश विच डू नॉट ऑर्डिनरी स्पॉन इन पॉन्ड बट ब्रीड इन फ्लडेड रिवर एंड एडजॉइनिंग एरिया, कुछ फिश ऐसे होते हैं जो कि तालाब में ब्रीड नहीं कर सकते, वो जब भी करेंगे तो किसी फ्लडेड रिवर में या फिर उसके आस पास का एरिया जिसमें कि फ्लड हो जाए वहां। देखिए क्या हो रहा है, पॉन्ड में क्या होगा, ऑलवेज एक तरह से एक स्टेबल मेंटेन्ड वाटर रहेगा, लेकिन आपके उस तरह के कंडीशन में ये ग्रो नहीं कर सकते हैं कौन, जो कि फिश जो है वो आपके फ्लडेड में करते हैं। तो फ्लड में क्या होता है, पानी नियर बाई एरिया में कुछ नए एरिया में चला जाता है, और वहां पे क्या मिलेंगे, वहां पे बहुत सारे स्वाम्प्स मिलेंगे, झाड़ियां मिलेंगी उसको, वहां पे उनके पत्तों पे वो एगलेग करते हैं, या फिर उस जगह पे उनको सैंड ग्रेवल्स मिलता है वहां पे एगलेग कर सकते हैं। इस तरह के फिश वहां पे कर पाते हैं, पॉन्ड में नहीं कर पाते। और कुछ फिश जो होते हैं, देख लीजिए कुछ फिश कैसे है, फिश विच मेनली इनहिबिट द सी और ब्रैकिश वाटर, कहाँ पे मिलते हैं, या तो समुद्र में मिलेंगे या फिर रुके हुए पानी में मिलेंगे, और ना तो वो स्पॉन करते हैं पॉन्ड में और ना ही वो सक्सेसफुली स्पॉन करते हैं इस तरह के फिश के, वो कहाँ करते हैं उसी जगह पे, या फिर कैटाड्रोमस या एनाड्रोमस आपके स्पीसीज होते हैं, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस आप देखेंगे जब फिश की हम लोग बात करेंगे, और फिश की जो कैटाड्रोमिसिटी और एनाड्रोमिसिटी भी बात करेंगे, तो वहां पे कि वो किस तरह से वो कुछ फिश जो होते हैं वो मेराइन से फ्रेश वाटर की ओर आते हैं, और कुछ फिश जो होते हैं फ्रेश वाटर से मेराइन की तरफ आते हैं अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। वो इसी पे डिपेंड करता है कि कौन कैटाड्रोमस है और कौन एनाड्रोमस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे स्लाइड की, तो इसमें देख लीजिए कि द ब्रीदिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट कल्चर्ड फिश आर रैदर कॉम्प्लेक्स एंड आवर नॉलेज ऑफ द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर देयर स्विमिंग इज स्टिल fragmentary. Major carp are known to breed naturally in rivers and certain reservoirs, and is artificially constructed bund type tank where fluviatile condition are simulated during the spawning season. क्या करते हैं हम लोग, ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट जो होता है कल्चर्ड फिश का हमारे पास, उसको हम लोग इंड्यूस ब्रीडिंग में, हमने जब बताया था तो आपको बताया था कि किस तरह से कंडीशन को मेंटेन करते हैं सो दैट कि वो स्पॉनिंग सीजन में ज्यादा से ज्यादा उसका जो है एग हम मिल सके, और उस एग को लेकर हम बड़े आराम से, हमने हापा बनाया था, एक नर्सरी बनाई थी उसमें हमने ग्रो कराया था, उस तरह के कंडीशन को मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं आगे जो हमारे पास कल्चरेबल फिशेज जो आते हैं बेसिकली हमारे पास, अगर उनकी बात करें तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मेजर, हमारे पास IMC इंडियन मेजर कार्प्स जो हमारे पास तीन हैं, लेबियो रोहिता, कतला कतला और साइरिनस मिर्गल, ये तीनों और लेबियो कलबासु, ये चारों जो हैं आपके पास, इनके फिर आपके जो है फ्राई को या एग को या फिर फिंगरलिंग्स को हम लोग बड़े आराम से डिटेक्ट करते हैं, और इन्हीं को कल्चर करने के लिए, और इसके साथ साथ कुछ डिफरेंट स्पेसीज जो हमारा एग्जॉटिक स्पेसीज है, जो कि सिल्वर कार्प है हमारा और गोल्डन कार्प वगैरह है, इन सब को भी हम फिश फ्राई के रूप में या फिश के सीड के रूप में बड़े आराम से स्टडी करके उसको और कल्चर के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद कि क्या हमारे पास आइडेंटिफिकेशन उस कार्प के लिए हो सकता है, उस फिश के लिए, तो देख लीजिए जरा सा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम बात करें कतला कतला की, तो ये नॉन फ्लोटिंग है, नॉन एडहेसिव है, दैट मीन्स कि ये सभी, अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी आपके ग्रुप है सभी में ये नेचर मिल रहा है आपके, कि सभी के सभी नॉन फ्लोटिंग यानी तैर नहीं पा रहे हैं और नॉन एडहेसिव, कहीं पे चिपचिपा उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए आगे अगर हम बात करें सेकेंड में उनके डायमीटर की, तो कतला का डायमीटर 5.3 to 6.5 meter होता है, और ये सारे के सारे अगर बात करें सभी राउंड होते हैं, लेकिन उनके अगर कलर की बात करें तो कतला का कलर येलो और लाइट रेड, येलो कलर का होगा या लाइट रेड कलर का होगा। वहीं अगर हम बात करें साइरिनस मिर्गल की, तो मिर्गल भी नॉन एडहेसिव है, नॉन फ्लोटिंग है, बट इनके देख लीजिए आप, इनका डायमीटर 5.5। अब यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं आप कि मिर्गल के भी 5.5, वहां भी 5.3 से 6.5,
अराउंड हुआ भी, लेकिन वहां पर देखिए कलर, जैसे ही कलर को देखेंगे तो हम अलग कर सकते हैं उनको कि वहां पर एक या तो रेड होगा लाइट रेड या फिर येलो, लेकिन अगर हम बात करें मृगल की तो वो ब्राउनिश कलर का होता है, तो हम दोनों एक को अलग अलग छांट सकते हैं। उसी तरह से अगर लेबियो रोहिता जो रोहू की हमारी बात करें तो वो साइज में उन सबसे थोड़ा छोटा होता है, 5.0 होता है इसका डायमीटर एमएम का, और ये भी राउंड शेप ही होते हैं और ये भी नॉन फ्लोटिंग और नॉन एडहेसिव होते हैं, बट इनके इनके पास ये रेडिश होते हैं, रेड कलर के होते हैं, बहुत रेडिश होते हैं। अगर वही बात करें हम कलवासु की तो कलवासु भी नॉन फ्लोटिंग और नॉन एडहेसिव होता है कलवासु का भी एग, लेकिन इनमें इनका जो डायमीटर होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे एग होते हैं, 3.5 mm के ही होते हैं ये, और इन ये भी शेप में राउंड ही होंगे लेकिन ये ब्लूइश कलर का होगा। देखिए कलर एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है आपके पास, इन सब के साथ कलर जिस तरह से चेंज करते जा रहा है आप उसके बेसिस पे और उनके साइज के बेसिस पे, उनके राउंड उनके शेप के बेसिस पे आप छांट सकते हैं इन सबको। अगर सब कुछ मिल भी रहा है तो कलर देखिए बहुत डिफरेंट है और डायमीटर। अगर हम बात करें उसी तरह से आपके लेबियो गोइनस की तो वहां भी 4.5 डायमीटर का है, वो 4.5 mm डायमीटर का है, बट शेप है इसका राउंड है लेकिन ये भी ब्लूइश है। तो लेबियो कलबासू और लेबियो इसमें दोनों में आप गोइनस में कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज याद रखिए कि थोड़ा सा साइज में बड़ा है तो अगर बड़ा साइज है तो गोइनस। और एक चीज और याद रखिए, अगर ये दोनों फिक्स थोड़ा मिक्स भी हो गए ना तो दोनों लेबियो की वैरायटी है तो दोनों एक दूसरे को नहीं खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप कल्चर में आसानी से, लेकिन क्या होगा थोड़ा सा आपका अंतर पड़ेगा लेकिन कल्चर आप दोनों को फिर भी कर सकते हैं। तो आपको मेनली क्या करना है, जो आपके जो कल्चर कर सकते हैं, और याद रखिए रेशियो ही मेंटेन करना है मिक्स कल्चर की तरफ पे, तो उस मेंटेनेंस में भी आसानी से आपको पहचान के कारण आप आसानी कर सकते हैं। अब उसी तरह से बात कर ले सबसे लास्ट जो आपका है लेबियो फिम्बरिटस, इसकी बात करें तो ये भी नॉन फ्लोटिंग है, नॉन एडहेसिव है, बट इसके डायमीटर 3.5 mm के है और ये भी राउंड है, बट ये ब्लूइश टिंग कलर का है, टिंग है ये, मतलब उसमें थोड़ा सी चमक होगी, टिंग मतलब टिंग टिंग टिंकल करना, चमकना, ब्लूइश कलर का और चमकीला तरह का होगा। तो ये इस तरह के जो होते हैं आप उस तरह से, तो ये आपके कल्चरेबल जो आपके फिश थे उनके आपके एग का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे के सारे हैं जिसके बेसिस पे आप उनको अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब वो लार्वल स्टेज में चला आए, लार्वी बन जाए, यानी कि एग से आगे बढ़ गया है, अब लार्वा बन गया है, तो हम उन्हें किस तरह से पहचानेंगे। तो जो लार्वा होता है, द लार्वी फ्लो द मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ योक अप्लाई ओनली व्हेन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म कंटिन्यू टू स्ट्राइकिंगली अनलाइक द जुवेनाइल, ठीक है। मेजर कार्प बिलोंग टू सेप्रिनाइडी फैमिली हुज प्रो लार्वल एंड पोस्ट लार्वल स्टेज आर आइडेंटिफाइड बाई द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर देख सकते हैं हम उनके अंदर, प्री लार्वल स्टेज से ठीक पहले यॉक को देखेंगे, यॉक सैक का शेप देखेंगे और वो पोस्टेरियली इलोंगेटेड है या नहीं वो देखेंगे, बार्बल्स प्रेजेंट है या एबसेंट है वो देखेंगे, एनल ओपनिंग उसके पोस्टेरियर पार्ट में 1/3 ऑफ द बॉडी है वहां है कि नहीं है वो चेक करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग छांटते चले जाते हैं कि कौन किस वेराइटी का एग है, ये आपका लार्वा है। या पोस्ट लार्वल, लार्वल स्टेज जब खत्म हो जाए उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके आई के पिगमेंट को, किस कलर का आई पिगमेंट है, डिफरेंट स्पेसीज के आई कलर डिफरेंट कलर के होंगे आई पिगमेंट। उसके बाद हम बात करें तो एयर ब्लडर जो है वो कंसिस्टेंसली डार्क, हम क्योंकि क्या होता है आपका जब वो फ्राई जो होता है, जब आपने बहुत छोटी सी मछली को फ्राई को देखा होगा बहुत छोटा सा, तो देखते होंगे वो ट्रांसपेरेंट दिखता है बिल्कुल, इधर से उधर उसके अंदर के सारे पार्ट भी दिखते रहते हैं, तो अंदर से आपके एयर ब्लडर को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इम्ब्रायनिक फिन जो होता है वो फोल्डेड कंडीशन में है या खुला हुआ है, उसके अलावा एनल ओपनिंग जो है उसका 1/3 ऑफ द बॉडी के पास है या नहीं, माउथ बना है या नहीं बना है, माउथ अभी तक डेवलप किया है कि नहीं किया है, कि अभी तक वो एग के जो यॉक है उसी पे वो सारे की सारी डिपेंडेंसी दिखा रहा है। उसके अलावा पेक्टोरल फिन्स जो है वो बढ़े हैं कि नहीं, इनलार्ज हुए हैं कि नहीं, बार्बल्स अगर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और इस बेसिस पे हम लोग हैं क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके लार्वल स्टेज का। अब बात करते हैं कि जो हमारे डिजायरेबल स्वैम जो स्पॉन होते हैं कार्प के, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो डिजायरेबल कार्प कैप्स इंक्लूड्स मेजर कार्प एंड आर द लार्ज साइज कार्प ऑफ पेनिसुलर इंडिया, एग्जांपल
लेबियो फिब्रिटस, लेबियो कॉन्टियस आपका, उसके अलावे भी है पुंटियस का वैरायटी है। हाउएवर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ द स्पॉन एंड फ्राई ऑफ मिर्गल, कतला, रोहू आर डिस्क्राइब इन द टेबल वन। यहाँ पर आप देखिए पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है पूरा दिया जा रहा है। देखिए क्या क्या है कि आपके लेंथ देख लीजिए, लेंथ 5 to 5.5 mm। उसके अलावे यॉर्क सैक वो किस तरह से वाइडली एंडरली एंड यॉर्क मास जो है वो माइल्ड है कि नहीं है। इम्ब्रॉयनिक फिन जो है वो फोल्डेड है या कंटिन्यूअस है। आई पिगमेंट उसके माउथ का फॉर्म, माउथ कैसा बना है या नहीं बना है, इसके बेसिस पे हम लोग उसके किसको आपके लार्वी को या उसके जो है स्पॉन को उसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उनके लेंथ, अगर देख ले लेंथ अगर आपका 5.51 से 6.5 mm का हो चुका है तब हम किस किस को चेक करते हैं। वो तो हमारा पहला क्या था, अगर लेंथ 5 से 5.5 mm तक है तो हमें क्या क्या चेक करना है। अगर लेंथ अब बड़ा हो गया है थोड़ा, 5.51 से 6.5 mm का है तो हमें यॉर्क सैक देखना पड़ेगा कि वो वाइड है या नैरो है एंटीरियरली। इम्ब्रॉयनिक फिन जो है फोल्डेड है या कंटिन्यूअस है। डॉर्सल फिन उसमें जो है वो इंडिकेटेड है या नहीं, माउथ बना है या नहीं, आई का पिगमेंट कैसा है। लेंथ अगर उनके फिर से तीसरा अगर हम देख लें एस्पेक्ट तो 6.51 से 7.5 और थोड़ा बड़ा हो गया तो हम देखेंगे कि यॉर्क का रूडिमेंट्री वहां पे मौजूद है या एब्सेंट है। डॉर्सल फिन उसके पास मौजूद है या आउटसाइड के फिन सपोर्ट मौजूद मिल रहे हैं या नहीं। इम्ब्रॉयनिक फिन फोल्डेड कंडीशन में है या ओपन कंडीशन में हो चुका है। एनल फिन जो है वो आ चुका है कि या नहीं आया है, माउथ बना है कि नहीं बना है, और अगेन आई का पिगमेंट कैसा है। तो बात करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है। देखिए अभी सारे कैरेक्टर आते चले जाएंगे आपके। अगर हम बात करें अगर हैचिंग, जस्ट अभी एक हैच किया है मतलब एक अभी आया ही है और उसका साइज अभी 4.2 mm का है, किसमें मिर्गल का। तो मिर्गल में देख लीजिए आपके तीनों के कैरेक्टर नीचे, कतला, रोहू और मिर्गल के फोटोग्राफ्स भी दिख रहे होंगे और तीनों के कैरेक्टर्स भी ऊपर दिख रहे हैं। देख लीजिए अगर जस्ट हैचिंग होता है उस समय एक का साइज 4.2 mm होता है, दूसरे का साइज 4.68 mm है और तीसरे का 3.78 mm है, और तीनों में क्लियर डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं कि तीनों अलग अलग वेराइटी के आपके जो है फिश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये 24 घंटा अगर हैचिंग की हो गई, एग से निकल चुका है 24 घंटे के बाद, तो उनमें अगर हम बात करें तो उनमें अगर देखेंगे तो देखते चले जाइए सभी में आपके कतला का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसके बाद ये मिर्गल का क्या होगा और फिर आपके रोहू के क्या होंगे। तो रोहू के, कतला के और मिर्गल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ देख लीजिए। अगर साइज 6.1 mm है और ये सैपली, उसके अलावे आपके जो है यॉर्क जो है वो इंड नहीं करता है, पॉइंटेड इंड नहीं यॉर्क का दे रहा है। देखिए यहाँ पे यॉर्क का पॉइंटेड इंड यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यॉर्क का पॉइंटेड इंड। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ देखिए यॉर्क बहुत ज्यादा दिख रहा है और इस मिर्गल में भी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर अगर कतला की बात करें तो बहुत कम दिख रहा है। लेकिन अगर अगर फोल्ड की बात करें यहाँ फिन की, तो यहाँ पर इसमें फिन ज्यादा दिख रहा है और इसमें फिन नहीं दिख रहा है। तो 24 घंटे के बाद हम ये सारे डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर को देख पाते हैं। आपने देखा है हमको क्या क्या देखना है, जब कितना बड़ा हो जाता है तो क्या देखना है। उसी तरह से अगर 48 आवर का हो जाता है तो साइज में क्या आता है। तो कतला में हमारे पास क्या होता है, ये आपके इससे आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये मिर्गल का पूरा कैरेक्टर है, उसके बाद आपका कतला का है, रोहू का है, फिर कतला का है। तो जो सबसे लास्ट में आपके इंड पर है वो सबसे वन फोटोग्राफ वन में है, जो आपका रोहू का है वो बीच में है और जो पहला दिया हुआ है मिर्गल का वो सबसे फिगर लास्ट में है। उस तरह से आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार के आते हैं। अगर हम बात करें इसी तरह से कि 48 घंटे में क्या हो रहा है, 48 आवर में की अगर हम बात करें तो 48 आवर के टाइम पर देख लीजिए आप कि आपके इसमें किसमें मिर्गल में ये साइज 6.4 mm का है और एंटेरियर प्रोफाइल ऑफ योक सैक मोर लेस स्ट्रेट। देखिए ये बहुत स्ट्रेट है,
निर्गल में बहुत स्ट्रेट है, नीचे वाला सबसे लास्ट फिगर D3 वो सबसे नीचे बहुत स्ट्रेट है। बट अगर हम बात करें वही कि आपका किसमें रोहू की, तो रोहू में देखिए यॉक्स जो है वो कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉन्वेक्स यानी कैसे, आगे की ओर उठा हुआ। अगर वही बात हम करें कतला की, तो यहाँ भी फ्लैट है करीब करीब, और यहाँ पे आई के पिगमेंट्स को देखें तो ये थोड़ा ज्यादा डार्क है, ये कम डार्क है, और ये भी कम डार्क है ना। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके 72 आवर, 72 आवर तक में भी बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं आ पाते, वहां भी आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर चौथे दिन हैचिंग की हो चुकी है, फोर्थ डे, तो आप देख लीजिए फोर्थ डे हैचिंग पे आपका मिर्गल जिसका कि साइज हो जाता है 7.3 mm, और ये देखिए ब्लैक क्रोमेटोफोर्स ऑन डॉर्सल फिन रूडिमेंट्स वार, देखिए ब्लैक कलर का स्पॉट मिर्गल पे बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंग होता है। F3 जो देखिएगा मिर्गल का सबसे लास्ट में ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये क्लियरली बताएगा कि ये आपका मिर्गल है। उसके अलावा हम बात क्या कर रहे हैं और भी, तो इनके जो आपके डॉर्सल फिन जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इम्ब्रायनिक फोल्ड से, इम्ब्रायनिक फोल्ड से बाहर की ओर निकल जाते हैं डॉर्सल फिन। और अगर हम बात करें किसमें रोहू की, तो रोहू में देख लीजिए इसका साइज 7.56 mm का हो जाता है, और ये सेमी सर्कुलर मार्क जो होते हैं वहां ब्लैक आपके ब्लैक क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो वेंट्रल साइड पे दिखते हैं, वेंट्रल साइड पे सेमी सर्कुलर, देखिए यहाँ से बिल्कुल ऐसे सेमी सर्कुलर मार्क, आधा सर्कुलर मार्क जो है वो दिखने लगता है, और इससे पहचान जाते हैं कि ये रोहू का चिकलिस है, ये रोहू का फिंगर ये फ्राई है। तो रोहू को अलग पहचान लेते हैं और कतला को अलग छाट लेते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उसी बेसिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास 5 दिन का हो गया है, अब तो बहुत ही क्लियर डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं कि 5 दिन और 6 दिन में, तो आप देख लीजिए कि जब मिर्गल का होगा तो मिर्गल का साइज जो है वो 11.5 mm का हो जाता है, और इनका डॉर्सल हाफ जो होता है बॉडी का एलोइस ग्रीन, आगे से हाफ पोर्शन एलोइस ग्रीन दिखेगा, और टू फेंट डॉर्सल ग्रीन। उसके अलावा आपके कॉडल पेडंकल्स जो है और एनल फिन बर्ड्स वो दिखने लगते हैं, एनल फिन बर्ड्स दिखने लगते हैं, देखते क्लियरली दिखने लगता है, इससे आप पहचान जाते हैं कि ये मिर्गल का है। और वही अगर हम बात करें रोहू की, तो रोहू आपका साइज में 11 mm का बॉडी हो जाता है, और इनका बॉडी का कलर पेल येलो कलर के क्रोमेटोफोर्स जो है कई कई जगह दिखने लगते हैं, पेल येलो कलर का बॉडी दिखने लगेगा, और कॉडल रीजन जो है एनल फिन और बर्ड्स ये सभी दिखने लगते हैं इसमें भी। अगर हम बात करें ये बर्ड्स देखते हैं कॉडल बर्ड्स ऊपर की ओर दिखने लगता है, और ये क्या डॉर्सल फिन बर्ड्स और ये पीछे पूंछ के बर्ड्स दिखने लगते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। वही बात करें अगर हम कतला की, तो कतला का साइज जो होता है वो डॉर्सल साइड में येलो, यहाँ भी येलो कलर के हो जाएंगे, वो जो है येलो कलर का, ये कतला और रोहू में यही थोड़ा सा आपको रखना होगा कि कतला और रोहू के माउथ को बार्बिल्स को देख के हम एनल फिन बर्ड्स को और उनके जो है कॉडल फिन्स को इन सब को देख के हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं, अलग करते हैं। माउथ के लिप क्या फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, माउथ के लिप जो होते हैं उसी से आप कतला और रोहू को डिस्टिंग्विश अलग अलग कर पाते हैं। और अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट में, तो 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद जो है वो देखिए टोटल आपके क्लियर कट डिस्टिंग्विश आपके जो है, पहला जो आपका दिखा रहा है फर्स्ट वन जिसमें कि आप फिगर में जहां पे आप लिख रहे हैं सेवेंथ डे आफ्टर हैचिंग, वहां पे जो पहला पॉइंट है वो फिगर दिखाता है आपको मिर्गल का, वो मिर्गल का डिस्क्रिप्शन दिखाता है, दूसरा आपका दिखाता है रोहू का, और तीसरा दिखाता है कतला का। लेकिन फिगर में आपका कतला पहले शुरू होता है, रोहू बाद में और मिर्गल उसके बाद, तो पहले मिर्गल का है। वहां देख लीजिए क्या है, ब्लैक क्रोमेटोफोर्स जो है देखिए फिन्स पे, इसके पूरे पीछे के पार्ट पे क्रोमेटोफिन्स और बॉडी पे काले काले धब्बे बहुत क्लियरली दिखने लगते हैं। कॉडल रेज पेडंकल, कॉडल पेडंकल्स कतला में जो है ये सब डॉर्सल एंड फिन फुल्ली सेपरेट, ये सब सब कुछ अलग अलग दिखने लगते हैं। कॉडल जो है ये आपके पेडंकल्स वो दिखने लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके रोहू की, तो रोहू में आपके पास जो है वो क्या होता है कि ये साइज जो है 12.2 mm का हो जाता है, और ब्लैक कलर के जो है वो सेप्ड उसके ब्लैक क्रोमेटोफोर एरिया जो है वो भी यहाँ ज्यादा डेवलप होने लगते हैं। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे कॉडल रेज जो है वो क्लियरली डिस्टिंग्स होने लगते हैं किसमें, मिर्गल के अंदर। और वही बात करें आपके किसमें, रोहू में, तो फिर से यहाँ पे जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब देखिए तीनों के आप फोटोग्राफ्स को भी अगर आप देखेंगे तो इनमें आप माउथ के
के फॉर्मेशन, माउथ का लिप का फॉर्मेशन, डॉर्सल फिन अलग अलग तरह के, इनके कॉडल पेडंकल पीछे के और इनके डॉर्सल वेंट्रल फिन जो है उनको कैरेक्टराइज करके देख के आप बता सकते हैं, इनके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा किस फिश का फिंगर स्लिंग है जो कि 7 दिन आज हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10वें दिन की, 10वें दिन पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ आता है डॉर्सल फिन, आपके पास जो हमारे पास यहाँ कतला में, रोहू में और मृगल में तीनों के अंतर को देखिए क्लियरली, आपके बाहर से जो अपर कुलम के जो रिज होंगे, अपर कुलम रिज भी बहुत क्लियरली यहाँ डिस्टिंक्स रोहू में दिखते हैं, बट कतला में देखेंगे तो नहीं, और कतला में बार्बल्स आगे की ओर दिखने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वही बात करें मृगल की, तो मृगल में जो है वो ट्राइंगुलर टाइप का, त्रिकोण टाइप का आगे से जो आपका इनका ये सामने से नोटोक और ये क्लियर दिखना शुरू होता है, तो ट्राइंगुलर टाइप का शेप जो है यहाँ दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके कंप्लीट बिहेवियरल है, इनके जो है कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको यहाँ तक डिस्टिंग्विश करके बताएंगे कि कितने दिन के हैचिंग के बाद कौन सा फिंगरलिंग्स आ चुका है, हमारे पास तैयार हो चुका है। अब अगर हम बात करें इस फिंगरलिंग्स के बाद, तो एक छोटा सा एक आपके पास आता है, वो होता है आपके कार्प के फ्राई की। तो आई थिंक कि फिंगरलिंग्स पे आज हम लोग क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि कार्प के फ्राई पे ये नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब कल के टॉपिक में मैं इस चीज को डाल दूंगा।